जैसलमेर की गांधी कॉलोनी के मकान नंबर 723 में चल रहे लकड़ी के कारखाने से पड़ोस में रहने वाले संजय विश्वास को हो रही परेशानी के संबंध में जैसलमेर नगर परिषद को प्रार्थना पत्र देकर कारखाना हटाने की मांग करने का मामला सामने आया है। मामले के तहत संजय ने नगर परिषद आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर अपने निवास स्थान के बगल में प्लॉट नंबर 723 गांधी कॉलोनी में चल रहे लकड़ी के कारखाने को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है, जिस पर नगर परिषद की तरफ से आश्वासन मिला है। संजय ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि रणवीर कुमार द्वारा देवी फर्नीचर के नाम से लकड़ी का कारखाना आवासीय कॉलोनी में संचालित किया जा रहा है। कारखाने में फर्नीचर बनाते वक्त शोर शराबे से घर में रहना दुभर हो गया है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। लकड़ी का फर्नीचर बनाते वक्त बुरादा उड़ने से वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जिससे आवासीय कॉलोनी में रहने वाले निवासियों एवं राहगीरों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो निकट भविष्य में फेफड़ों से संबंधित बीमारी होने का अंदेशा भी है। विश्वास ने यह भी उल्लेख किया कि उक्त कारखाना जिसका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नियमानुसार नहीं है और टैक्स चोरी भी की जा रही है, ऐसे में नगर परिषद से मांग की है कि भूमि का रजिस्ट्रेशन रद्द कर कारखाने को आवासीय कॉलोनी से हटाया जाए। मेरा नाम संजय विश्वास है, मैं गांधी कॉलोनी में मकान नंबर 723 पे रहता हूँ, दूसरे मंजिल पे। मेरे पास वाले प्लॉट में एक प्लॉट है जिसमें लकड़ी की फैक्ट्री चल रही है काफ़ी दिन से, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। सुबह हम घर में आपस में बात नहीं कर सकते, टीवी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, दोपहर को सोने नहीं सकते, रात को 11-12 तक फैक्ट्री चलती है। आस पड़ोस वाले में भी दिक्कत है, लेकिन वो लोग खुल के कोई नहीं बोलता है। मैं पड़ोस में रहता हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने नगर पालिका को एक लिखित में एक एप्लीकेशन दिया है आयुक्त साहब को, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई मेरे को पॉजिटिव कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि समस्या से निजात मिले। रेसिडेंशियल इलाका में इस तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कतई संभव नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इसका एक सोल्यूशन हो। क्या आश्वासन मिला नगर परिषद आयुक्त? नगर पालिका से मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं सिर्फ एप्लीकेशन दे के आया हूँ, और वहाँ से अभी तक मैं चाहता हूँ कि वो लोग कोई एक्शन ले, लेकिन हो सकता है कि वो नगर पालिका अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं, हो सकता है आज दो दिन में एक दो दिन मिले। तो इसका कोई एक हल हो ना यार, इस तरह से मोहल्लों के अंदर अब बच्चे पढ़ नहीं सकते। अच्छा, सबसे मोटी बात है कि मेरे मैडम की जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस आवाज़ से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सो सर।